फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें ब्यूटीफुल यू चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि देख पाएं आप मेरे वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बहुत दिनों से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं अपने हाथ पर क्या लगाती हूँ क्या लगाती हूँ। फ्रेंड्स ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहती थी लेकिन आप लोगों के इतने सवाल हुए कि सबके सवाल हुए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि मैं मेहंदी लगाने से पहले अपने हाथ पर ऐसा क्या लगाती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं अगर डेली भी अपलोड करूँगी वीडियो तो मेरे हाथ पर मेहंदी का कोई भी कलर या स्टेन नहीं आता है। एक बार शायद आरफा ने या फिर अमिता ने ये क्वेश्चन इसका आंसर सही लिखा था कि शायद दीदी कुछ ऐसे अप्लाई करती हैं जिससे मेहंदी नहीं रचती, तो वो सही था, वो है फेविकॉल। तो आज मैं आपको वो ट्रिक दिखा देती हूँ ताकि आप हमेशा के लिए मेरे से ये सवाल ना करें। वैसे तो ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कि मेहंदी सीख रहे हैं और रोज़ रोज़ लगाए अपने हाथ पर और छुटाएँ, और या फिर जो एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं मेहंदी का। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आपके सामने कर रही हूँ एक डॉट अप्लाई, उसके बाद अब हम इसको रब करेंगे। आफ्टर ड्राई ये कुछ इस तरह से शाइनी हो जाता है मेरे हाथ पर, जो कि आप हमेशा बोलते हैं कि ये शाइन शाइन ऑयल क्या है, तो वो इस तरह से दिखेगा। उसके बाद चलिए मैं आपको इस पर एक मेहंदी का डिज़ाइन लगाकर दिखाती हूँ, या फिर आप बोलिए कि एक टहनी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक टैटू बनाया है हैप्पी न्यू ईयर का, तो मैंने आप लोगों को सही से विश भी नहीं किया है। तो फ्रेंड्स हैप्पी न्यू ईयर, और अब हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह से, थोड़ा देर हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। देख रहे हैं ये टोटली ड्राई हो चुका है, तो चलिए वॉश करते हैं सिंपल वाटर से। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे कोई भी स्टेन नहीं आया है। तो अगर आप एक मेहंदी का यूट्यूब चैनल चलाती हैं और डेली वीडियो बनाना चाहती हैं और आपके लिए कोई हेल्प कोड नहीं है सेकंड, तो आप इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई कर सकती हैं। और ये वीडियो मैंने आप लोगों के कहने के बाद ही बनाई है फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।